जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं हरिजन जाति का इतिहास। हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ होता है लोग। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के समुदाय के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कार माने जाते थे। इनके साथ ऊंची जाति के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे अर्थात अछूत समझा जाता था। सामाजिक पुनर्वास और इनके साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए गांधी ने उन्हें ये नाम दिया था। बाद में उन्होंने हरिजन नाम से एक पत्र भी निकाला था जिसमें इस सामाजिक बुराई के लिए वे नियमित लेख लिखते थे। लेकिन अब हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुसूचित जाति का अर्थ होता है बहुत सारी जातियों से मिलकर बना एक बड़ा समूह। इस कारागार पर 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एएमसी राजा ने दलितों की ओर से हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ ही हरिजन सेवक संघ अस्तित्व में आया था। दलितों को हरिजन जैसा पवित्र नाम मिला। तो दोस्तों आपको हरिजन जाति का इतिहास जानकर कैसे लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं।